नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। मनवीर 3 वर्षों बाद भारत अपने देश वापस लौट रहा है। परिवार से मिलने की खुशी से बहुत उत्साहित हो रहा था। उसने अपने आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं दी थी, क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया था, लेकिन इन 3 वर्षों में अपने काम में कुछ ऐसा उलझ गया कि अपने देश वापस लौटकर नहीं आ सका। हवाई अड्डे पर उतरकर मनवीर सोचने लगा कि पिछली बार जब उसकी पत्नी निशा से उसकी बात हुई थी तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, शायद उन्हें शहर की हवा रास नहीं आई, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह गाँव में रहने चली गई हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने शकुंतला चाची के घर पर ही एक कमरा किराए पर ले लिया है। मनवीर जल्द से जल्द अपने माँ बाबूजी से मिलना चाहता था, इसलिए वह हवाई अड्डे पर उतरकर अपनी पत्नी से मिले बिना टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल गया। गांव पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला तो गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी महक उसे अपनी ओर खींचने लगी। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। शकुंतला चाची के घर जाते हुए वह गांव की हर एक गली और हर एक नुक्कड़ को बड़े ध्यान से देखे जा रहा था और अपने माता पिता के साथ वहां बिताए गए उन पलों को याद करता जा रहा था। जब मनवीर शकुंतला चाची के घर पहुंचा तो उसे देखते ही चाची के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। प्रणाम चाची, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम लोगों का क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ चाची, ऐसा कहते हुए मनवीर इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। उसकी नज़रें अपने माता पिता को ढूंढ रही थीं। तभी शकुंतला चाची बोली, किसे ढूंढ रहा है? फिर मनवीर कहने लगा, चाची मेरे माँ बाबूजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया है उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगे? मनवीर की बात सुनकर शकुंतला चाची हैरान रह गई। यह क्या कह रहे हो बेटा, मुझे तो कितने साल हो गए तेरी माँ से मिले हुए। यह सुनकर मनवीर के चेहरे का रंग उड़ गया और फीकी सी मुस्कराहट के साथ बोला, लेकिन चाची माँ बाबूजी तो यहीं गांव में आपके घर पर रह रहे थे ना? तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा, तेरी माँ बाबूजी तो कब से यहाँ आए ही नहीं। यह सुनकर मनवीर सोच में पड़ गया। फिर बाहर निकल कर मनवीर ने गाँव के अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। आखिर माँ बाबूजी हैं कहाँ? यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर उससे पूछना चाहा, तो पाया कि उसकी पत्नी का फ़ोन तो बंद था। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया। थक हार कर मनवीर वापस टैक्सी में बैठ गया और अपने शहर की ओर निकल पड़ा। मनवीर को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा, तो मनवीर ने उसे सारी बात बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुंचे, तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को माता रानी के मंदिर के बाहर रोक दिया और कहने लगा, बाबूजी इस मंदिर की बहुत मानता है, कहते हैं इस मंदिर में माथा टेक कर जो भी मांगो वह मुराद पूरी हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर की यह बात सुनकर मनवीर भी उस मंदिर में माथा टेकने चला गया। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद उसने देखा कि मंदिर के आंगन में बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि वहां कुछ लोगों द्वारा प्रसाद वितरित किया जा रहा था और बहुत से गरीब लोग वहां से प्रसाद लेकर खा रहे थे। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति मैले कुचैले कपड़ों में था, उसकी दाढ़ी और नाखून बढ़े हुए थे और बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वह भीड़ में घुसकर प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु घुस नहीं पा रहा था। वह कमजोर बूढ़ा व्यक्ति बार बार कोशिश करता, परंतु भीड़ में टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करने के बाद जब वह प्रसाद लेने के लिए पहुंचा, तब तक प्रसाद समाप्त हो चुका था। वह बूढ़ा व्यक्ति निराशा से निहाल होकर वहीं बैठ गया। मनवीर को उस वृद्ध व्यक्ति पर बहुत तरस आया। वह दौड़कर उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, बाबा आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए
खाना लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही मनवीर खाना लेने के लिए जाने लगा तो एकाएक चौंक गया। उसे उस बूढ़े व्यक्ति में अपने पिता की झलक दिखाई दी। वह जाते जाते अचानक रुक गया और उस वृद्ध व्यक्ति की ओर गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। वह देखकर दंग था कि मैले कुचैले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके पिता दीनदयाल जी थे, जिनकी आंखें चेहरे के अंदर तक घुस चुकी थीं और शरीर कंकाल की तरह हो गया था। मनवीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रुआसी सी आवाज में बोला, पिताजी आप यहाँ इस हालत में? आपकी हालत कैसे हो गई और आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए मनवीर अपने पिता के गले लग पड़ा। तभी दीनदयाल जी ने उसे झटकते हुए कहा, अब क्या लेने आया है मेरे पास? या फिर यह देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या मर गए? तभी मनवीर बोला, नहीं पिताजी ऐसा मत कहिए, मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी दीनदयाल जी उसे घृणा भरी नज़रों से देखते हुए बोले, अच्छा चलो मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमें यहाँ आए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। अपनी पत्नी को तो घर पर रोज फोन करता ही होगा। क्या तूने हमारे बारे में अपनी पत्नी से पूछना तक जरूरी नहीं समझा? नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं, मैं निशा से आपके बारे में पूछा था तो उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए गांव की शुद्ध हवा में रहने की माँ की बहुत इच्छा थी, तो उन दोनों को मैंने कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया है। मैंने उससे पूछा भी था कि माँ बाबूजी गांव में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है, तो निशा ने मुझे बताया कि आप लोग शकुंतला चाची के मकान में किराए पर रहते हैं। उसने यह सब बातें मुझे ऐसे बताई तो मैंने भी उस पर यकीन कर लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मनवीर ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए कहा और पूछने लगा, माँ कहाँ है पिताजी? तभी दीनदयाल जी मनवीर को लेकर सुलोचना जी के पास पहुँचे, जो मंदिर के बाहर फुटपाथ पर एक पुरानी सी चादर बिछाकर बैठी हुई थी। उन्हें देखते ही मनवीर की आँखें आंसुओं से भर गईं और रुंधी सी आवाज़ में मनवीर बोला, माँ। माँ स्वर सुनकर सुलोचना जी की आँखें अचानक मनवीर की ओर देखने लगीं और उसे देखते ही गुस्से से बोली, क्या करने आया है हमारे पास? चला जाए यहाँ से। तभी मनवीर रोते हुए अपनी माँ से बोला, अपने इस नालायक बेटे को बस एक बार माफ़ कर दीजिए माँ, गलती मेरी है जो मैंने निशा पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उस पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी उसे देकर मैं विदेश चला गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं जब आप लोगों से मिलूँगा तो आपको ऐसी हालत में देखूँगा, लेकिन माँ आज मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों की एक एक परेशानी का हिसाब लूँगा। माँ आप खुद ही सोचिए, क्या आपका मनवीर आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है? आपकी हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए मनवीर अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। मनवीर ने अपनी माँ पिताजी को टैक्सी में बिठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में ले गया। वहाँ उन्हें भरपेट खाना खिलाया, वहीं उनके रहने का इंतजाम करवाया। इतने आलीशान होटल को देखकर दीनदयाल जी और सुलोचना जी हैरान रह गए। तभी मनवीर बोला, माँ पिताजी आप यहाँ आराम से बैठिए, सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपके घर लेकर चलूँगा। सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि निशा ने मुझसे क्या क्या छुपाया। बेटा क्या बताऊँ, तेरे जाने के बाद 4-5 महीने तक तो बहू का व्यवहार बहुत अच्छा था, हम तो खुद को बड़े ही खुश नसीब समझ रहे थे और ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा करते थे कि हमें ऐसा बेटा बहू मिले, लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब उसे यह मालूम चला कि तू अभी और 2 साल के लिए
अमेरिका में ही रहने वाला है, तो उसका रवैया एकदम से बदल गया। सारा दिन बहू अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती रहती थी और सारे काम का जिम्मा केवल तेरी माँ का था। फिर दीनदयाल जी बोले, बेटा निशा बहू हमसे रोज़ाना बदतमीजी करती थी और यदि तेरी माँ कुछ बोलती थी तो घर में तांडव मचा देती थी। एक दिन सुबह जब हम लोग नींद से जागे तो देखा कि बहू घर से गायब थी। हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वह कहीं नहीं थी। हमने बहू को फ़ोन लगाया लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर तक कांप उठा था। दोपहर के समय जब वह घर लौटी तो हमारी जान में जान आई, लेकिन हमने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते, उसने बोला, माँ पिताजी आप लोग आज के आज और अभी के अभी अपना सामान अपने कमरे में से निकाल लीजिए और स्टोर रूम में रख दीजिए। आज से आप हॉल में सोएंगे क्योंकि आज से मेरी माँ इस घर में रहेगी। यह क्या कह रही हो बहू तुम? हम हॉल में कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आई होगी, तो एक काम करो, तुम्हारी माँ और सुलोचना अंदर कमरे में बेड पर सो जाएंगे और मैं हॉल में सो जाऊँगा। दीनदयाल जी बोले, तो निशा बोली, मैंने कब कहा कि मेरी माँ यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है, यह उनका घर है और अब वह यहाँ हमेशा के लिए रहेंगी, और आप लोगों से मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए, निशा ने गुस्से में कहा। तो दीनदयाल जी बोले, बहू तुम्हें मालूम है कि सुलोचना की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसकी कमर में दर्द रहता है, उससे ज़मीन पर नहीं लेटा जाएगा, वह सब मैं नहीं जानती, जल्दी से कमरा खाली कीजिए, नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, आप लोग अपना इंतजाम खुद देख सकते हैं। बहू निशा की बात सुनकर सुलोचना जी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से बोली, आप जरा मनवीर को फ़ोन लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। और मनवीर बेटा, यह बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फ़ोन मिलाया था, लेकिन तुझे एक बार भी हमारा फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। यह बात सुनकर मनवीर हैरान रह गया और बोला, लेकिन माँ पिताजी मेरे पास तो आपका कोई फ़ोन नहीं आया। अरे हाँ याद आया, मेरा फ़ोन नंबर बदल गया था और इसके बारे में मैंने निशा को भी बताया था और उससे कहा था कि आपको भी इस बात की खबर दे। फिर दीनदयाल जी बोले, लेकिन बेटा हमें बहू ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि तू भी बदल गया है, तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर सुलोचना जी बोली, बेटा मैंने बहू को एक बार कहा भी था कि मेरी एक बार मनवीर से बात करवा दो, तभी निशा ने कहा मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा है, क्या हर बात पर आप लोग मनवीर को फ़ोन लगाने की बात करते हैं? वह वहाँ काम करने गए हैं, आराम करने नहीं, और वैसे भी उन्हें सब मालूम है, उनकी रजामंदी से ही मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आई हूँ। हाँ पिताजी, मुझे निशा ने कहा था कि वह अपनी मम्मी को हमारे घर लेकर आ रही है क्योंकि उसके भाई भाभी उसकी मम्मी का ठीक से ख्याल नहीं रखते और उनसे झगड़ा करते हैं। लेकिन पिताजी, यदि मुझे मालूम होता कि निशा आप लोगों को आपके कमरे से निकाल रही है तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देता। फिर दीनदयाल जी नम आंखों से कहने लगे, बेटा बहू ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था और हमने सोच लिया था कि यदि दो रोटी खानी है तो बहू की बातें चुपचाप सुननी होंगी। बेटा एक दिन तेरी माँ को बुखार चढ़ा था और मैं उसकी सेवा में लगा था, वैसे तो पूरे घर का काम तेरी माँ ही किया करती थी, तो उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे मामा जी घर पर आ रहे हैं, इसलिए माँ जी आज अच्छा सा खाना बनाइएगा। तो मैंने कहा कि कैसी निर्दयी हो तुम बहू, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारी सास बीमार है, तुम्हें तो इसकी सेवा करनी चाहिए, उल्टे तुम उसे काम बता रही हो। इस पर समधन जी मुझे कहने लगी कि आप जाकर उनके लिए दवाई ले आइए, दवा खा लेंगी तो राहत भी मिलेगी और काम में मन भी लगेगा, और वैसे भी तबीयत ठीक हो या नहीं घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो बेटा
मुझे समझन जी की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मैंने गुस्से में कह दिया कि आप भी एक औरत हैं और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेगी। फिर शिलोचना जी बोली, बेटा उस दिन के बाद निशा बहू और समधन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाती हैं। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके मैं या तेरे पिताजी रसोई घर में जाकर अपने लिए खाना बनाकर खा लेते। उसमें भी बहू चिल्लाती थी। एक दिन घर पर बहू ने किटी पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सी सहेलियां आई हुई थीं। उस दिन बहू ने हमें कहा कि रसोई में 15 लोगों का खाना बनाना है और तेरे पिताजी को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और मुझे खाना बनाने के काम पर लगा दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को ही कहा। समधन जी और बहू मेहमानों के साथ पत्ते खेलने में व्यस्त हो गईं। सब लोग हंसी के ठहाके लगा रहे थे। बीमार होने के कारण मुझसे इतना सब काम नहीं किया जा रहा था। यह सब देखकर तेरे पिताजी का गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर गिरा दिया। यह सब देखकर बहू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोली, आप लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उधर बहू की माँ सलोनी भी बहू को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी निशा तुम ही इन लोगों पर तरस खाकर घर में रखे हुए हो, निकाल बाहर क्यों नहीं करती इन लोगों को। हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं, अपने घर में रखकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरे एहसान का इस तरह बदला दे रहे हैं। जल्दी से अपना सामान उठाइए और चले जाइए यहाँ से। यह सब बताते हुए सुलोचना जी फूट फूट कर रोने लगीं और कहने लगीं, बेटा तू नहीं जानता बहू ने भरी दोपहर में हमें घर से बाहर निकाल दिया, हम कहाँ जाते। गांव वाला मकान भी अब अपना नहीं रहा था, हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले ही खराब थी, अब तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें सांस चढ़ने लगती थी। हम कहाँ जाते कैसे खाते, इसलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुँचे बेटा। सुलोचना जी के पूछने पर मनवीर ने कहा, माँ आप लोगों को घर से निकालने के बाद निशा ने मुझसे कहा कि आप लोग तो शकुंतला चाची के पास गांव में चले गए हैं और जब मैं कुछ दिनों बाद उससे पूछा कि माँ बाबूजी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा तो उसने बताया कि आपका फ़ोन घर पर ही रखा है और आप लोग गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं, इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा सा शक भी हुआ क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझे एक बार फ़ोन ज़रूर करते जो बिना बताए ना जाते। इसलिए मैं जल्दी काम निपटाकर भारत वापस आ गया। मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी इसलिए यहाँ माथा टेकने आ पहुँचा और आप लोगों को ऐसी हालत में पाया। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो उस जालिम औरत को मजा चखाने का समय है। उसे उसकी औकात न दिखाई तो मैं भी आपका बेटा नहीं। ऐसा कहकर मनवीर अपने घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि दोनों माँ बेटी बैठे चाय और स्नैक्स का आनंद ले रही थीं। इस समय निशा की माँ सलोनी बोली, बेटी निशा तूने अपने सास ससुर को यहाँ से निकाल तो दिया लेकिन एक बार देखना तो चाहिए कि वे लोग कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने दामाद जी को सारी खबर कर दी तो हमारा क्या होगा। अरे माँ आप भी क्या बात करती हैं, जब उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम तो वह उसे फ़ोन कैसे करेंगे। आप निश्चिंत रहिए और वैसे भी उनके आने में अभी बहुत समय बाकी है। जब तक वे दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे ऐसी हालत में भला कितने दिन जीवित रहेंगे, निशा ने हंसते हुए कहा। तभी सलोनी जी बोली, लेकिन बेटी अगर दामाद जी पूछेंगे तो तुम क्या बताओगी। फिर निशा ने कहा, माँ जब तक आपके दामाद जी भारत वापस आएंगे तब तक तो कुछ सोच लेंगे,
अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। यह बातें करते हुए वे दोनों जोर जोर से हंसने लगीं। तभी मनवीर अंदर आया और उसे देखते ही निशा के चेहरे का रंग उड़ गया और डरकर उठ खड़ी हुई। अरे क्या हुआ बिटिया, तुझे सांप क्यों सूंघ गया? ऐसा कहते हुए निशा की माँ ने दरवाजे की ओर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे दोनों मन ही मन सोच रही थी कि कहीं मनवीर ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली। इस समय मनवीर हंसते हुए बोला, देखा हैरान रह गई ना मुझे देखकर। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए बिना बताए ही आ गया। मनवीर की बात सुनकर निशा और उसकी माँ सलोनी की जान में जान आई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि मनवीर ने उनकी बातें नहीं सुनी। थोड़ी देर आराम करने के बाद मनवीर निशा के पास आया और बोला, निशा एक खुशखबरी है, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूँगा। मैंने तुम्हारा वीज़ा भी बनवा लिया है, हम 2 दिन बाद ही अमेरिका के लिए निकलेंगे। माँ और पिताजी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए हैं तो उनका आना अभी संभव नहीं हो पाएगा, और जब आएंगे तो मैं उनसे बात करके उनका यहीं रहने के लिए इंतजाम करवा दूँगा। अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दो। यह बातें सुनकर निशा खुशी से उछल पड़ी। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी सलोनी जी, जो यह सब बातें सुन रही थीं, परेशान होते हुए बोली, निशा बिटिया तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन यह भी तो सोचो कि फिर मेरा क्या होगा। अच्छा माँ, मैं इतने दिन आपको रखकर आपकी सेवा की है, अब आप भैया भाभी के पास वापस जाइए। क्या कोई बेटी के घर इतने दिन रहता है? जाइए उनसे माफ़ी मांग लीजिए, अब आपके कारण मैं विदेश में जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। पता है मैं कितनी तरसती थी विदेश में जाने के लिए, और अब जब मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से यह बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को अपने घर से विदा कर दिया और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, मनवीर ने उसे फ्लाइट में बैठाकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जब फ्लाइट उड़ने का समय हुआ तब तक भी मनवीर वापस नहीं लौटा। निशा ने घबराते हुए बैग में से अपना फ़ोन निकाला। तभी उसने देखा कि फ़ोन के पास एक कागज़ रखा हुआ था। जैसे ही उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, जाओ और खूब मजे करना विदेश में, अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसी इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। तुमने मेरे माँ पिताजी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, खून के आंसू रुलाया है तुमने उन्हें, अब तुम भी विदेश में भीख मांगना, और जब भीख मांगकर पैसे इकट्ठे हो जाएं तो वापस आ जाना और अपनी माँ के साथ ही रहना, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक निशा ने यह पत्र पढ़ा तब तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। हवाई जहाज़ उड़ने के साथ साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जान ही निकलती जा रही है। विदेश में रहने की अपनी इच्छा के कारण वह अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और अपनी इसी इच्छा के कारण ही उसने अपनी माँ को भी बेसहारा छोड़ दिया। आज निशा विदेश में ठोकरें खा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि आज वह अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। इधर दीनदयाल जी और सुलोचना जी की शादी की 50वीं सालगिरह पर मंदिर में उन्हें एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया और होटल से उन्हें सीधा इस फ्लैट में लेकर गया और बोला, माँ पिताजी आपको शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, अब आपको आपके इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह घर आपके नाम पर है। बेटे का इतना प्यार देखकर दीनदयाल जी अपने आंसू नहीं रोक पाए और बोले, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज उन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ समय के बाद मनवीर के पास निशा का फ़ोन आया, लेकिन मनवीर ने उसका फ़ोन काट दिया। उसने कई बार फ़ोन लगाया लेकिन मनवीर फ़ोन नहीं उठाया
तब दीनदयाल जी के पूछने पर मनवीर ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसने निशा को उसके किए की सजा दी। थोड़ी देर में निशा का फिर से फ़ोन आया तो दीनदयाल जी ने फ़ोन उठाया। उधर से निशा के रोने की आवाज़ आई और फिर रोते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, जिस कारण मनवीर ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। आप ही उन्हें समझाइए ना, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। निशा के इतना कहने पर दीनदयाल जी और सुलोचना जी का दिल पिघल गया। उन्होंने बेटे से कहकर निशा के आने का इंतजाम करवाया। दो दिन बाद निशा घर पहुंच गई। उसने अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और उनकी खूब सेवा करने लगी। आज एक बेटे ने दुनिया वालों के सामने एक मिसाइल कायम कर दी थी। लेकिन उधर निशा की माँ सलोनी जब अपने घर पहुँची तो देखा कि उनका सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट हो चुका था। उनके अपने कमरे में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस कमरे में उनकी बहू के पिताजी आराम फरमा रहे थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए क्रिशिंग आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।